आप सभी का स्वागत है। तो चलिए देखते हैं आज हम आपके लिए कौन सी रेसिपी लेकर आए हैं। तो आज की हमारी रेसिपी है पनीर कोल्हापुरी मसाला। हमेशा ये होता है जब भी पनीर कोल्हापुरी सब्जी बनानी होती है तो पहले उसका मसाला तैयार करना पड़ता है, फिर सब्जी बनाते हैं, तो उसमें काफी टाइम वेस्ट हो जाता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए पनीर कोल्हापुरी मसाले की रेसिपी लेकर आए हैं। पनीर कोल्हापुरी मसाला बनाने के लिए सबसे पहले मेजरमेंट का ध्यान रखना है। हमने यहाँ पर ये एक छोटी सी कटोरी ली है, आप स्पून भी ले सकते हैं, जिससे आपको बनाना हो आप वो सामान ले लीजिए। और यहाँ पर हमने इसी कटोरी से ये एक कटोरी सफेद वाले तिल लिए हैं, एक कटोरी पोस्त के दाने खसखस या पेपी सीड भी इसे कहते हैं। फिर हमने उसी कटोरी से एक कटोरी कोरिएंडर सीड यानी धनिया साबुत लिया है। फिर ये हमने यहाँ पर साबुत जीरा हाफ कटोरी लिया है, हाफ कटोरी सौंफ ली है, 1/4 कटोरी काली मिर्च साबुत, 1/4 कटोरी लौंग, यहाँ पर हमने 3 बड़ी इलायची और 2 स्टार एनिस लिया है, चक्री फूल कहते हैं जिसे। और यहाँ पर हमने 5 से 6 छोटी इलायची ली है। फिर यहाँ पे हम 2 इंच दालचीनी का टुकड़ा लेंगे। फिर हमने यहाँ पर ये 10-12 साबुत लाल मिर्च ली है। मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं। और इस फिर हमने यहाँ पे ये 1 कटोरी काजू लिए हैं, काजू आप ब्रोकन वाले भी ले सकते हैं। और इसी कटोरी से हमने यहाँ पर 3 कटोरी ड्राई कोकोनट यानी सूखा नारियल जिसे हमने कद्दूकस कर लिया है। और अब हमने ये एक कढ़ाई ली और इसे हमने गैस पर रख लिया, गैस को हमने ऑन कर लिया है। और अब सारे मसालों को इस कढ़ाई में हम डाल देंगे और इन मसालों को ड्राई ही रोस्ट कर लेंगे। इसमें कुछ भी नहीं डालना है, हमें इन्हें हल्का भून लेना है। इस मसाले को हमने 1 मिनट करीब सिम आंच पर भून लिया है, ये बहुत अच्छे से भून गया है। और अब हम गैस को बंद करके इन मसालों को ठंडा करके मिक्सी के जार में डालकर इसका एक पाउडर बना लेंगे। तो ये लीजिए पनीर कोल्हापुरी मसाला तैयार है और अब हम इसे एक एयर टाइट जार में रखेंगे और इसे 4 से 5 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। ये मसाला खराब नहीं होगा, तो है ना समय की बचत और कोई झंझट भी नहीं। तो अब आपको पनीर कोल्हापुरी सब्जी बनाने में कोई भी मुश्किल नहीं लगेगा, बहुत ही जल्दी और आसानी से बन जाएगी। बस आपको अदरक लहसुन प्याज की प्यूरी तैयार करनी है और टमाटर की प्यूरी, जैसे नॉर्मली प्याज और टमाटर भूनते हैं कढ़ाई में ऑयल डाल के, उस तरह से भुनना है। और सिर्फ मसाले में आपको पिसी हुई हल्दी ऐड करनी है और कोई मसाला नहीं डालना है। बाकी हम ये मसाला 4 से 5 लोगों के लिए आप 2 से 3 टेबल स्पून यानी 2 से 3 टेबल स्पून ये मसाला भुने हुए टमाटर और प्याज की प्यूरी में डालें और फिर ग्रेवी बना लें, पनीर डाल दें, तो तैयार हो जाएगी आपकी पनीर कोल्हापुरी सब्जी झटपट। तो देखा कितना आसान हो गया पनीर कोल्हापुरी सब्जी बनाना। तो इस मसाले को आप एक बार बनाकर जरूर देखिएगा और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए, ये रेसिपी पसंद आए, तो आप इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स को फेसबुक और व्हाट्सएप पे शेयर करिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।